राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी के समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से प्रधानी चुनाव में चुनाव सीट को आरक्षित करने के संबंध में पत्र सौंपा है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से कहा गया है कि ग्राम नजरपुर तहसील ठाकुरद्वारा में आजादी के बाद से अभी तक ग्राम प्रधान चुनाव की सीट को आरक्षित नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की अनुभूति होने के कारण, अनुसूचित की जाति होने के कारण ग्राम सिडलौ नजरपुर सीट को प्रधानी चुनाव के लिए आरक्षित नहीं किया जा रहा। इसलिए समस्त ग्रामवासी प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह मांग करते हैं कि प्रधान सीट आरक्षित करने की कृपा करें। प्रतिनिधि मंडल में हेमंत कुमार एडवोकेट, राकेश कुमार, अरविंद कुमार, दीवान सिंह, अनिल कुमार प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। अरविंद जी, किस संबंध में आया, क्या मामला है बताएं। देखिए, मैं भाजपा समग्र राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांति मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ और आज़ादी से लेकर आज तक बिलोक बिलारी के ग्राम पंचायत सिडलौ नजरपुर में अभी तक मतलब एससी में एससी सीट आरक्षित नहीं करी गई है। ये बहुत गंभीर विषय है कि आज़ादी से लेकर आज तक मतलब एससी में कोई मतलब आरक्षित नहीं करी गई है। बहुत ही विडम्बना है इस चीज़ की और ये हमारा मोर्चा इस चीज़ की कड़ी निंदा करता है और इस मामले में हम मुख्यमंत्री जी को भी मतलब सूचित करेंगे कि क्या हमारी ग्राम पंचायत सिडलौ नजरपुर में क्या एससी में अभी तक आरक्षण नहीं करी गई है। तो इसलिए हम जो है डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से अभी मिले हैं, तो वो डीएम साहब के लिए बोल रहे हैं कि हम इस मामले में डीएम साहब से बातचीत करेंगे। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम ये चाहते हैं कि इस बार ग्राम प्रधान चुनाव का हम मतलब एससी सीट आरक्षित की जाए, हर हाल में की जाए, नहीं तो हम इस आगे तक मतलब इसकी मतलब कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। इसको किसकी खामी मानते हैं आप? इसको मैं शासन स्तर पर ही कि क्या मतलब हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत में इन लोगों ने मतलब ध्यान तक मतलब नहीं दिया,